केदारनाथ आपदा की वो रात, इस साधु के साथ जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो ऐसा रहस्यमयी और दिव्य साधु था जिसे साक्षात महादेव ने दर्शन दिए। जहां पर हर तरफ इस आपदा की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, वहीं पर साक्षात महादेव ने आकर इन साधु को दर्शन दिए और इस आपदा के आने का कारण बताया, और ये भी बताया कि इस आपदा में इतने लोगों की मौत क्यों हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो साधु कौन था और महादेव ने उसे दर्शन देकर जो भी बातें बताई, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 16 जून 2013 की वो रात, जहां पर सभी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं पर केदारनाथ में एक भयंकर घटना घटने वाली थी जो सुबह होते ही लाखों परिवार को तितर बितर करने वाली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना भी घटेगी। हमेशा की तरह हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी और मंदाकिनी नदी की गर्जना ऐसे डरा रही थी मानो वहां पर कुछ भयानक घटना होने वाली हो। लेकिन सभी श्रद्धालु ये सोचकर निश्चिंत थे कि केदारनाथ में तो बारिश और तूफान अक्सर आते रहते हैं। कुछ लोग दर्शन करके अपने धर्मशाला में चले गए तो कुछ लोग मंदिर के पास ही रुके हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक साधु भी था जो 25 सालों से केदारनाथ में रह रहा था और बाबा केदारनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस साधु ने वहां पर कुछ लोगों को बताया कि आज यहां पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रात में कुछ लोग केदारनाथ के पास ही घूम रहे थे कि अचानक एक भयानक आवाज के साथ मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ धाम की तरफ आ रही थी। वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस साधु के चेहरे पर एक सिकन नहीं थी क्योंकि उसको महादेव पर पूरा भरोसा था। थोड़ी ही देर में मंदिर डूब चुका था और वहां के लोग आपदा में बहकर कहां चले गए कुछ पता नहीं चला। वो साधु भी पानी में डूब चुका था और मंदिर के सामने ही केदारनाथ बाबा से बोलने लगा कि हे महादेव, इस जीवन में बस एक बार आपके दर्शन करने की इच्छा थी। उस साधु के प्रार्थना करते ही साक्षात महादेव उस साधु के सामने आ जाते हैं। साधु महादेव के दर्शन करता है और महादेव से कहता है, हे महादेव, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने उस साधु को आशीर्वाद दिया। वो साधु महादेव से पूछता है कि आप केदारनाथ में साक्षात विराजमान हैं, फिर ये इतनी भयंकर आपदा क्यों? इसमें हजारों भक्तों की जाने जा रही हैं। तो महादेव ने बताया कि केदारनाथ में आकर जितनी भी मौत हो रही है वो सब मेरी शरण में आ जाएंगे और इस कलयुग में समय समय पर ऐसी आपदा आती रहेगी ताकि एक और नए और स्वच्छ केदारनाथ का निर्माण हो सके। ये बोलने के बाद महादेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं और वो साधु थोड़ी देर में अपना शरीर छोड़कर महादेव की शरण में चला जाता है। तो दोस्तों, जब जब केदारनाथ में कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा तब तब वहां पर ऐसी भयानक आपदा आएगी ताकि एक नए सुंदर और स्वच्छ केदारनाथ का निर्माण किया जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।